श्रीनगर में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं एज पर कानून के हिसाब से ड्राइविंग करनी पड़ेगी। कल शाम को श्रीनगर पुलिस से जिन गाड़ियों को आप देख रहे हैं, 3 थार जीपे है जिनको पुलिस ने कल सीज किया और इन गाड़ियों में 7 नौजवान बच्चों को जो है उसमें कुछ जुवेनाइल्स भी थे और गाड़ियों को सीज किया गया है और जो इसमें जुवेनाइल्स है उनको पुलिस मां बाप के सामने उनको काउंसल करेगी और साथ साथ में जो बाकी इसमें बचते हैं उनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये गाड़ियां जो आप देख रहे हैं ना, दरअसल एक एक गाड़ी की कीमत 12-12, 13-13 लाख है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इस गाड़ी को चलाने वाले कल शाम को बच्चे फोरशोर रोड पे डल लैक के किनारे जो है हल्गनिज्म कर रहे थे, राउडीपन दिखा रहे थे, म्यूजिक, रैश ड्राइविंग। और आप जानते हैं कि जब आज का बच्चा खून गर्म है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी लेके आप बच्चों को, जुवेनाइल्स को, कम से उम्र के बच्चों को गाड़ियां दे और वो सड़क पे निकल जाए और मां बाप पूछे तक ना। ठीक है, गाड़ी निकाले कोई मसला नहीं है, आप घर से निकले गाड़ी एज पर लॉ के हिसाब से चले कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके बच्चे सड़क पे क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे गाड़ी लेके तो निकले हैं, लेकिन करके क्या आए हैं, क्या आपने कभी पूछा है? ये जो आप तस्वीरें में देख रहे हैं, श्रीनगर पुलिस ने कल ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 3 थार जीपू को सीज किया है, जिसमें एक का नंबर JK01K5001, JK01Q7183, JK01Q3132, जिसमें 7 लड़के, जिसमें कुछ ज्वेनर्स भी मौजूद थे और राउडीपन जो है ये कल डल्ला के किनारे कर रहे थे और उसी के बेसिस पे श्रीनगर पुलिस ने गाड़ियों को सीज किया है और अब इसमें से जो ज्वेनर्स है उनके मां बाप को बुलाया जाएगा। और इससे ज्यादा क्या कुछ जलालत हो सकती है मां बाप के लिए? एक तो वो बेटे को 17-15 लाख रुपए की गाड़ी दे दे और उसके बाद फिर उसको मां बाप को पुलिस स्टेशन आना पड़े इस चीज के लिए कि आपने जो बच्चे को गाड़ी दी है वो देखो क्या करके आया सड़क पे। ये मां बाप की जिम्मेदारी है, कब तक ऐसी चीजें होते रहेंगे? आजकल हम समाज में देखते हैं कि एक्सीडेंट्स तो होते हैं, सड़क पे शख्स चल रहा होता है और कोई गाड़ी लाकर उसको उड़ा देता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अगर आप गाड़ी लेकर निकलते हैं कम से कम उम्र के बच्चों को गाड़ियां ना दे। फिलहाल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन मां बाप तक पहुंच जाए जो अपने कम से उम्र के बच्चों को गाड़ियां देते बिना टेंशन के और उनको पता भी नहीं होता कि फिर वो जब घर से गाड़ियां निकालते हैं और वो क्या कुछ करके आते हैं। फिलहाल अब श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट किया है, इसमें जो उन्होंने बाजाबत तौर पर लिखा है कि जो एडल्ट्स हैं उनको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, प्रॉपरली एज पर लॉ के हिसाब से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जो जुवेनाइल्स है उनको काउंसिलिंग की जाएगी, उनके मां बाप को बुलाया जाएगा। क्या मां बाप ने कभी यह सोचा था कि जो इस बच्चे के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं आज उस बच्चे की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा ताकि मुझे पुलिस बताए कि आपका बच्चा क्या कुछ कर रहा है? गाड़ी लेके तो निकला घर से लेकिन सड़क के किनारे क्या कुछ कर रहा है? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उन 3 थार जीप्स की है। अब आगे क्या कुछ जम्मू कश्मीर में होता है सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उन मां बापों तक भी पहुंच जाए जो अपने बच्चों को गाड़ियां देते हैं और फिर बाद में उनको पता भी नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे कि गाड़ियां ना दे, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को तो एहसास दिला इस बात का, बेटा आप गाड़ी लेके तो निकल रहे हो लेकिन इस हिसाब से निकलना कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। अब आगे जो कुछ होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।